ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के दंगल की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में सुलह हो गई है। जी हां, शिवपाल यादव ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। शिवपाल यादव ने बताया है कि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव का सस्पेंशन निष्कासन वापस ले लिया गया है और अब हम सब लोग मिलकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है और सभी हम सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये आदेश मिला है मुझे और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और सब लोग बातचीत करके सब प्रत्याशी तय कर लेंगे और तय करके सब लोग मिलकर के 2017 के चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना लेंगे। तो सर, ये जो एक कंफ्यूजन था कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल एक बैठा अधिवेशन बुलाया था रामगोपाल जी ने, क्या उसको रद्द माना जाए? क्या अब सभी बातें खत्म हो गई हैं? सब लोग मिलकर के चुनाव में जाएंगे और पूर्व बहुमत के उत्तर प्रदेश में पुनः फिर सरकार बनाएंगे। ये जो लिस्ट दो तरफ से आई थी, हम मान सकते हैं कि एक अब पुनः एक नया लिस्ट आएगी जिसमें दोनों अब उसमें हम सब लोग बैठ करके बातचीत करके और सब लोग बातचीत बैठ करके और उस पर फिर फैसला ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके लिए राजी हो? सब लोग तैयार हैं, सब लोग बैठेंगे और फिर नेताजी से बातचीत हो गई है, सब लोग नेताजी से बैठेंगे और सब मामले हल हो जाएंगे। किसी तरीके का आपको अब कहीं पर कोई बातचीत नहीं और हम लोग आपस में बैठ के सभी सीटों पर बातचीत बैठकर मिलकर के चुनाव में जाएंगे। हम ये कह सकते हैं जो पार्टी की पहले की स्थिति थी, जो एक संकुचन स्थिति थी, वो वापस आएगी? हाँ, सब ठीक हो गया है। सभी जो भी थे, जब निष्कासन रद्द हो गया है, नेताजी का आदेश मिल गया है और अभी सब लोग नेताजी के पास से बैठे हैं और हम वहीं से आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप समाचार टुडे पर देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो कलह थी, समाजवादी पार्टी का जो दंगल था, उसमें एक और नया मोड़ सामने आया है। नया मोड़ यह है कि अब रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव का 20 घंटे के अंदर निष्कासन वापस ले लिया गया है। समझ से परे है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में सब कुछ चल क्या रहा। रात में पिताजी आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को निष्कासित करते हैं और उसके बाद अगले ही 20 घंटों के बीच निष्कासन वापस ले लिया जाता है। हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्ञानेश वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे पूरी खबर। ज्ञानेश जी, मैं बताना चाहूंगा लखनऊ से कि जो शिवपाल जी और मुलायम जी ने जिन लोगों को, अखिलेश और राम गोपाल को जो बाहर कर दिया था पार्टी से, वही दूसरी तरफ अभी की खबर है कि दोनों को वापस ले लिया गया है। इतने घमासान होने के बावजूद इन दोनों को वापस ले लिया गया। ये सब कुछ ज्ञानेश, ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक से 20 घंटे के अंदर मुलायम सिंह यादव को जो मन था, उनकी जो उन्होंने सोचा था, वो कैसे बदल गई? इस पे एक नजर डालेंगे कि सबसे पहले जो आज अखिलेश यादव ने 10:30 बजे मीटिंग रखी थी, विधायकों की मीटिंग रखी थी, उसमें SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और CM अखिलेश यादव के बीच में जो तनातनी चल रही थी, पहला राउंड अखिलेश जीते नजर आ रहे थे। क्योंकि शनिवार को मुलायम और अखिलेश दोनों ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी 10:30 बजे। अखिलेश की मीटिंग में लगभग 198 विधायक मौके पर पहुंचे, जिनका नाम अखिलेश की लिस्ट में शामिल था। आपको बता दें कि इस वक्त SP के 239 विधायक हैं, उसमें से 198 विधायक अखिलेश की मीटिंग में पहुंचने पर उनका पलड़ा भारी नजर आया। मीटिंग में अखिलेश भावुक होकर उन्होंने यह भी कहा कि मैं पिता से अलग नहीं हूँ, UP जीत का तोहफा उनको 2017 में दूंगा। लेकिन उसके बाद में अचानक मुलायम सिंह से मिलने के लिए CM अखिलेश यादव और उसके साथ में शिवपाल भी पीछे से गए, फिर सुलह को करने में लगे हुए थे आजम खा जी, तो शायद सुलह को निपटारा कर दिया उन्होंने और इस निपटारे के बाद में दोनों बिल्कुल। ज्ञानेश, सुलह तो हो गई है, समाजवादी पार्टी फिर से एक साथ है। शिवपाल यादव ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब हम लोग सब सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है, जो अखिलेश यादव हैं, उनके US जो सलाहकार हैं, उनका एक मेल लीक हुआ है, उस मेल लीक के जरिए ये खुलासा हो रहा है कि अखिलेश यादव का
या समाजवादी पार्टी के सब कुछ जो ड्रामा था, अखिलेश यादव का निष्कासन, रामगोपाल यादव का निष्कासन, ये सब कुछ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था, ये सब कुछ किया गया था मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए, अखिलेश यादव की छवि को चमकाने के लिए। जी बिल्कुल सही आप कहें, कहीं ना कहीं सपा भी जो जो दो पक्ष पार्टी हुई थी वो मीडिया मीडिया के साथ में सहानुभूति और दूसरी जनता के साथ सहानुभूति को पाने के लिए इन्होंने शायद ऐसा किया था, क्योंकि आज ये 2016 में अगर आज का आखिरी दिन है, जो अलग होते होते इन लोगों ने फिर एक दूसरे को पार्टी एक हो गई है, तो इससे यही अंदाजा लगा जा रहा है कि जनता की जो चीजें हैं उनको इन्होंने अपने पक्ष में करने के लिए शायद ये इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। ताजा हालात आप क्या कुछ देख पा रहे हैं ज्ञानेश, अगर वहाँ की बात करें, आप सीएम आवास के बाहर मौजूद है, क्या कुछ हालात आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरीके के हालात है, अब समर्थकों में खुशी की लहर है या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, इससे पहले अगर हम एक घंटे दो घंटे की पहले की बात करें तो दोनों के समर्थक, एक तरफ अखिलेश यादव के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे अखिलेश के लिए, और दूसरी तरफ शिवपाल और मुलायम जी के समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे, उसमें तनातनी भी हुई है, उसमें हाथापाई भी हुई है। इस मौके को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीके से पुलिस मुहैया कराया है ताकि कोई बड़ी घटना ना घटित हो, और दूसरी तरफ शिवपाल के समर्थक काफी खुशी में नजर आ रहे हैं, उनके पक्ष में नारे भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी एकजुट हो गई है, अब उनका कहना है 2017 का जो मिशन। अब क्या हो रहा है, अगर ज्ञानेश अगर अब क्या हालातों की बात करें तो अब क्या हो रहा है, पहले तो लड़ रहे थे आपस में, पहले तो बात ही नहीं हो रही थी, पहले लड़ रहे थे, शिवपाल यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात हुई थी कि अखिलेश को बाहर कर देते हैं, इस तरीके की बात भी सामने आई थी, अब अचानक से 20 घंटे बाद फिर सारे के सारे समर्थक हैं, पहले मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद के नारे भी कल रात लगाए गए, शिवपाल यादव मुर्दाबाद के नारे भी कल रात लगाए गए, ऐसे में अब क्या, आप सब लोग किसके नारे लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के, अखिलेश के या किसी और के? नहीं नहीं, अब तो समाजवादी पार्टी जो शिवपाल ने मीटिंग ली है और शिवपाल की तरफ से नारेबाजी हो रहे हैं, उनके समर्थक काफी नारेबाजी उन्हीं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव, चूंकि अखिलेश यादव यहाँ मौजूद नहीं है, वो अपने बंगले पर जा चुके हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई उनके समर्थक नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। हाँ, शिवपाल के समर्थक जरूर नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ज्ञानेश, ये मान लिया जाए कुल मिलाकर के जो एक पिता था वो बेटे से हार चुका है, बेटे से वो हार मान चुका है, जो शक्ति प्रदर्शन अखिलेश यादव ने करके दिखाया, शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह जब अखिलेश ने बैठक बुलाई थी तो अखिलेश के पास आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे 198 विधायक पहुंचे थे और मुलायम सिंह यादव के पास बहुत कम पहुंचे थे, शायद इसी शक्ति प्रदर्शन के बाद मुलायम सिंह यादव को अकल आई है थोड़ी सी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद में मुलायम जी ने अपने बेटे अखिलेश से ये भी कहा है कि मैं पहले से भी आपके विपक्ष में नहीं था, हाँ आपने जो गलतियां की उसकी सजा मैंने दी और मैं अब ये जो है मैं आपका आरोप पत्र जो है वापस लेता हूँ, अब हम सब मिलकर काम करेंगे और 2017 में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। अगर इस बैठक की बात करें, जो बैठक हुई मुलायम सिंह के आवास पर, अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, शिवपाल यादव थे, आजम खान थे, तो अगर उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी की अगर हम बात करें तो कुछ जानकारी ज्ञानेश आपके पास है उसकी? जी 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 हाँ, सबसे पहले मुलायम सिंह ने बुलाया था, मुलायम सिंह और आजम खान और इसी के बीच शिवपाल जी के बंगले पे बेनी प्रसाद वर्मा, उनके साथ में शारदा प्रसाद विधायक सदर, ये लोग मौके पर पहुंचे और इनकी मीटिंग खत्म होने के बाद में अखिलेश जी माननीय नेताजी के पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में पहुंचे, उनसे कुछ ही देर जाने के बाद में शिवपाल जी भी पीछे से गए और लगभग एक से डेढ़ घंटा मीटिंग होने के बाद में ये तय हुआ कि उनका जो है और ऊपर तो वापस लेंगे और उनको हम पुनः पार्टी में रखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर समाचार टुडे पर, पूरे 20 घंटे बाद रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव का निष्कासन वापस ले लिया गया है, फिर से वही सब कुछ प्रदेश के सामने है कि हाँ समाजवादी पार्टी अब एक हो गई है, समाजवादी पार्टी में अब कोई कलह नहीं बची है, अब समाजवादी पार्टी लड़ने के मूड में नहीं है, अब समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेगी। अगर इस सुलह की बात करें, सुलह के पीछे के पुरोधा अगर कहा जाए किसी को तो आजम खान है। इससे पूरी बैठक की जो है बैठक हुई इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी समाचार टुडे के पास है, समाचार टुडे आपको बताता है कि उस बैठक में क्या कुछ हुआ। उस बैठक में आजम खान ने मुलायम अखिलेश यादव को समझाया कि पिताजी ने जब तुम्हें सत्ता सौंपी थी, पिताजी अपने ही हैं, इनसे थोड़ी सी बात करो। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, मैं जो कुछ भी हूँ आज पिताजी की बदौलत हूँ और मैं पिताजी के खिलाफ कल भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ, लेकिन दबाव था जिसके चलते ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष
इसे एक साजिश बता रहा है। एक साजिश के तहत अखिलेश को चमकाने की कोशिश की जा रही है और अखिलेश चमकेंगे तो समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा, इस तरीके की बातें आ रही हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर समाचार टुडे की नजर बनी हुई है, हमारे संवाददाता हर जगह नजर बनाए हुए समाजवादी पार्टी की इस दंगल पर। आप देखते रहिए समाचार टुडे।